तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी चाहिए और क्या हमें 50 व्यूज पे स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए या नहीं, स्पॉन्सरशिप का क्या बेनिफिट है और क्या उसका नुकसान है, मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं इस वीडियो में। बने रहें वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज सेंड किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे स्पॉन्सरशिप वीडियो बनानी है। मैंने बोला उनको, बनाओ वीडियो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। फिर उन्होंने मेरे को दोबारा लिख के भेजा कि भाई मेरे को स्पॉन्सरशिप वीडियो कैसे बनानी है, कैसे का क्या मतलब होता है। फिर मैंने कहा कि उनको कॉल मी, तो उस 2 मिनट के बाद उन्होंने मेरे को कॉल किया। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला, मैंने कहा हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो उन्होंने मेरे को बोला मेरे को स्पॉन्सरशिप वीडियो बनानी है। मैंने कहा बनाइए भाई वीडियो, कौन रोक रहा है आपको। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि भाई मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए। मैंने कहा ओके, आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके व्यूज कितने आते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे तकरीबन 50 व्यूज आते हैं, मतलब एक ही वीडियो पे। तो मैंने उनको बोला भाई 50 व्यूज पर स्पॉन्सरशिप मिल तो जाएगी, लेकिन आपको 150 या 100 रुपीज मिलेंगे ओनली। वो बोला ओके, तो मतलब वो एग्री नहीं हुआ उस चीज को लेकर के, क्योंकि स्पॉन्सरशिप मिल जाती है आपको 50 व्यूज पे, 100 व्यूज पे, 150 व्यूज पे, लेकिन आपको अमाउंट भी फिर उसी के हिसाब से मिलेगा, 100 रुपीज या 150 रुपीज इतना ही मिलेगा आपको, राइट। जितना वो पे करेंगे उससे ज्यादा वो स्पॉन्सरशिप से कमा लेंगे। जब भी कंपनी आपको बोलेगी कि भाई हमारा इस एप्लीकेशन का प्रमोशन कर दो, उससे आपके 50 व्यूज में से 4-5 उनके या 10 लोगों ने भी वो इंस्टॉल कर लिया तो उनका तो काम बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको 50 और 100 व्यूज पे कभी भी स्पॉन्सरशिप लेनी नहीं चाहिए, बिकॉज उससे हमारे जो ऑडियंस रिटेंशन है सबसे पहले तो वो डाउन हो जाता है और ऑडियंस भाग जाती है, मतलब लगभग। क्योंकि अभी यार अभी स्टार्टिंग में, अभी तो हमारा स्टार्टिंग है, अभी से हमें कमाने की लगी। मैं कहता हूँ आपको, अगर जो आपको ग्रो करना है वाकई में, आपको अपना चैनल ग्रो करना है, तो कम से कम 5 से 6 महीने आप रेगुलर काम कर लो यूट्यूब पर। स्पॉन्सरशिप आप अभी मुझसे पूछ रहे हो कि भाई मुझे स्पॉन्सरशिप दिला दे, मैं कहता हूँ अगर जो आपने 5 से 6 महीने कंटिन्यू काम कर लिया ना यूट्यूब पर, तो आपको स्पॉन्सरशिप के लिए बोलने की जरूरत नहीं है किसी को, आपके पास खुद स्पॉन्सरशिप आएगी। ये स्पॉन्सरशिप का एक पैटर्न होता है। अगर जो आप 100 और 200 व्यूज पे या 500 व्यूज पे स्पॉन्सरशिप लेना शुरू कर दोगे तो आपके चैनल में प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे आप भी देख सकते हो, जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप उनको देखते होंगे जो स्पॉन्सरशिप की जो वीडियो होती है, मतलब कोई कोई तो जिसका अर्निंग से रिलेटेड चैनल होता है तो वो तो हर वीडियो उसकी स्पॉन्सर्ड होती है, उसमें 4,000-5,000 व्यूज जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके ये अर्निंग से रिलेटेड चैनल नहीं होते, नॉर्मल टेक्निकल चैनल होते हैं, जैसे मनोज दे है, टेक्निकल गुरुजी है, जुन्नू की टैक है, ये सब लोग 3 से 4 स्पॉन्सरशिप रखते हैं, बिकॉज इनको भी डर होता है कहीं ना कहीं कि भाई हमारी ऑडियंस ना भाग जाए, क्योंकि ऑडियंस आती तो है, लेकिन अगर जो आपने कंपेयर किया हो नॉर्मल वीडियो से और स्पॉन्सर वीडियो से, तो व्यूज में आप कंपेयर कर सकते हैं कितने डाउन जाते हैं। मतलब अगर जो एवरेज व्यूज आपके एक वीडियो पे 30,000 to 35,000 आ रहे हैं, तो अगर जो स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो होगी कोई, उस पे कम से कम 10,000 तक व्यूज पहुंचेंगे, उससे ही कम रहते हैं। तो ये स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो होती हैं। तो मैं तो आपको ये कहूंगा, अगर जो 50 से 60 व्यूज आ रहे हैं या 100 व्यूज आ रहे हैं, आपको स्पॉन्सरशिप अभी मत लो, अभी चैनल ग्रो करने की कोशिश करो, क्योंकि ये टाइम है चैनल ग्रो करने का। अभी से अगर जो आप अर्निंग पे लग जाओगे, देखो अर्निंग तो बहरहाल हर किसी को करनी होती है फाइनली, ठीक है। तो आप अभी अर्निंग के पीछे मत भागो, आप स्पॉन्सरशिप के पीछे मत भागो, आप पहले अपना चैनल ग्रो करो। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मेरे को स्पॉन्सरशिप दिला दो, आपको खुद स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, ब्रांड्स कंपनी आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता ही देता हूं, अगर जो आपको कमाना ही है तो कम से कम इस तरह की एप्लीकेशन का प्रमोशन करो जिसके रेफरल से आप कमा सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है। देखो भाई, अगर जो आपके 50 से 60 व्यूज आ रहे हैं, तो आपको कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड आपको मेल नहीं करेगा, क्योंकि आपके 50 से 60 व्यूज आ रहे हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं होना। अगर जो आपको 50 से 60 व्यूज पे कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा है, तो आपका जानकारी दे सकता है, जो भी मतलब आपके नॉन में होगा, वो कोई यूट्यूबर होगा, उसके थ्रू आपको 50 से 60 व्यूज पे मिल जाएगी। लेकिन अगर जो आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, अपने चैनल को ग्रो करना पड़ेगा, जैसे ही आपके 5,000 या 10,000 एवरेज व्यूज आने लगे पर वीडियो पे, तो कंपनी आपको खुद मेल करेगी, खुद आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगी कि भाई हमें हमारी ये एप्लीकेशन है या ये वेबसाइट है, इसका आप रिव्यू कर दो, हम आपको इतना अमाउंट देंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।